हेलो माय ब्यूटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए न्यू कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। काफी बंदों का होता है ज्यादा बजट ना हो के जो एसपीआर पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक आज आपके लिए एक बजट वाला प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, जो अपना बिल्डर रहेगा वो रहेगा एक्सोन और जो अपनी प्रॉपर्टी का नाम रहेगा वो रहेगा गैलेक्सी 91। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, मैं मोटा मोटा आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझा देता हूँ। ठीक है, जो आप इस साइड जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो ये लैंड है ये लगभग 100 एकड़ के अंदर डीएलएफ लेके आ रखा है यहाँ पे गार्डन सिटी। ठीक है, जहाँ पे अपना कुछ फ्लोर्स बेच रहा है, कुछ प्लॉट्स बेच रहा है, मोस्टली यहाँ पे प्लॉट्स बेचे हैं, बाकी कुछ अपना फ्लोर्स भी बना के बेच रहे हैं। ठीक है, ये रहेगी हमारी गार्डन सिटी। ठीक है, और ये है हमारा न्यू टाउन हाइट, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये अपना न्यू टाउन हाइट है। इधर हमारा गार्डन सिटी 100 एकड़ के अंदर। और आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, जो हमारे प्रोजेक्ट है इसके बैक साइड भी डीएलएफ की लैंड है लगभग 100 एकड़। टोटल अगर गार्डन सिटी की बात करते हैं तो टोटल एक ये है लगभग 700 एकड़ के अंदर, लगभग 700 एकड़ के अंदर गार्डन सिटी है, जिसमें से 100 एकड़ यहाँ पे है, लगभग 100 एकड़ इसके बैक साइड में है। ठीक है, बाकी पूरा पूरा फैला हुआ है न्यू गुड़गांव के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, इस प्रोजेक्ट की खासियत जो मैं मानूंगा, इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, क्यों इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके ना आसपास कोई ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, घोच नहीं है। घोच इन द सेंस, जैसे कि एसपीआर पे देख लो आप, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे देख लो, बैक टू बैक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बैक टू बैक। कभी भी विजिट कराते हैं तो थोड़ी ये दिक्कत हमें भी फेस होती है कि बंदे कहते हैं कि भैया इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ चुकी है, क्या इन फ्यूचर चलेगी? देखो, नो डाउट चलेगी, सारी प्रॉपर्टी चलेगी। ठीक है, पर थोड़ा सा रिस्पांस कम रहेगा ड्यू टू क्या ना, बैक टू बैक कमर्शियल प्रॉपर्टी, M3M कॉर्नर वॉक, M3M ब्रॉडवे, M3M प्रीव्यू, बैक टू बैक कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, आसपास को लैंड इतनी खाली है नहीं कि इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट आ जाए। डीएलएफ ने ये पूरा एरिया ले रखा 100 एकड़ की लैंड। ठीक है, और अपना इधर ही अपना डीएलएफ न्यू टाउन हाइट, ठीक है, यहाँ पे अपना न्यू टाउन हाइट आ जाता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे यही है, बाकी आसपास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, वाटिका में जो सफायर 83 मॉल, ठीक है, जब वो लॉन्च हुआ था ना, बहुत बंदों की क्वेरीज थी कि भैया यहाँ पे हम क्यों ले, यहाँ पे तो अभी रोड भी नहीं बने हैं, यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई हाई राइज प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों इस जंगल में जाके बसे हम, क्यों ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले। ठीक है, तो देखो पता है क्या, डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ना, वहाँ लेने में ये फायदा कि आपको एप्रिसिएशन वैल्यू ज्यादा मिल जाता है। सिंपल सी चीज है, आप गोल्फ कोर्स रोड पे ऐसी चीजें लोगे, आपको रेट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 50,000। ठीक है, और आप ये उम्मीद लगा लोगे वो 50,000 का रेट 1,00,000 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, आप यहाँ पे लोगे, ऑब्वियस बात यहाँ पे डेवलपमेंट अभी हो रही है, ये गार्डन सिटी जो मैंने आपको दिखाया था 100 एकड़ के अंदर, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। इसके रेट कितने के स्टार्ट हुए थे, 40-50 हज़ार से रेट स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आज क्या रेट है, आज 1,20-1,30 के अंदर चीजें बिक रही है, हो रही है ना डेवलपमेंट, बढ़ रहे हैं ना रेट। वजह क्या है ना, सिर्फ यही वजह है ना कि आज इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको डेवलपमेंट कम दिख रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट मूव कर रहा है, ऐसी जगह में। अगर एप्रिसिएशन वैल्यू चाहिए, रेंटल चाहिए, तो आप जा सकते हो गोल्फ कोर्स रोड, रेंटल अगर आपको चाहिए, बहुत अच्छा रेंटल चाहिए, आप जाओ गोल्फ कोर्स रोड पर, एप्रिसिएशन वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी में कमर्शियल में मुनाफा कमाना है ना, तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर एक ही चीज़ को लेकर चलोगे रेंटल को, तो भी आप लॉस में हो, कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अगर आप एप्रिसिएशन वैल्यू ही लेके चलोगे तो भी आप लॉस में हो, अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो, दोनों चीज़ों को ना पैरेलल लेके चलना पड़ता है। रेंटल भी अच्छा होना चाहिए और आपको एप्रिसिएशन वैल्यू भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो ठीक है, इसके रेंटल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि क्या रेंटल मिल रहा है। बाकी मैं प्रॉपर्टी की जो रेट है ग्राउंड फ्लोर पे 20,000 है, बाकी जो अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर 11,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, 22,000 तक के इसके रेट है ग्राउंड फ्लोर पे। बाकी लोकेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, नीचे दे दूंगा इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, इसकी जो बाकी एक मैप होगा उसके अंदर भी मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ से हमारी एंट्री, कहाँ से हमारी एग्जिट रहेगी, कहाँ पे हमारे एंकर स्पेस होंगे, सारी डिटेल मैं आपको फर्दर इस वीडियो के बीच में एक क्लिप डाल दूंगा उसके अंदर। ठीक है, एक बार अंदर चलते मैं थोड़ा थोड़ा आपको फसाड़ दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। आ जाइए, सो गाइस जैसे मैंने फसाड़ की बात की थी ना, ये रहेगा हमारा फसाड़, ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, अभी इसमें से ये वाली जो दो शॉप्स है ये अवेलेबल है, लगभग 2.5 करोड़ के बजट में आ जाती है ये चीज। अगर किसी का बजट है इसका तो मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रंट की है विजिबिलिटी आपको ऑन रोड से रहेगी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, बाकी ना इसमें चीजें ज्यादा बेटर समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ना मैप में समझा दूंगा। ठीक है, एक बार इसका ना कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक चला है। सो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन अपडेट। ठीक है, ये टोटल जो लैंड है वो है 3.75 एकड़ के अंदर, जो सबसे अच्छी बात कह रहा है 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है।
ठीक है, आप रात को 12 बजे भी आओगे ना तो आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे बंदे, ठीक है। 24 घंटे काम चल रहा है, कंपनी पूरा जोर लगा रही है कि इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल के अंदर डिलीवर कर दे। आपको 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड मिल जाएगा 110%, ठीक है। बाकी अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी आ चुके हैं, सबसे अच्छी बात क्या, रेंटल बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। एंकर के अंदर आपको फ्रंट में एक एंकर स्पेस मिलेगा, एक एंड में एंकर स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अपडेट ये रहेगा, ठीक है। बाकी किसी को भी किसी भी तरह की क्वेरीज है आप मुझे कॉल कर लेना, मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। कंस्ट्रक्शन अपडेट देख सकते हैं, बेसमेंट, दो बेसमेंट है इसके अंदर, दोनों बेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन 24 आवर चल रहा है। बस अगर आपकी किसी तरह की क्वेरीज है तो मुझे कॉल कर लेना, नंबर स्क्रीन पे मिल ही रहा होगा। और तो लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, धूप देख रहे होंगे ना आपको कितनी तेज है, सब्सक्राइब कर देना भाई जी, मेहनत लगती है बहुत, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।